अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सेम की फली आलू गोश्त। तो ये बनाऊंगी मैं हरी मिर्ची के साथ में। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। ये है सेम की फली, जिसको पहले से ही मैंने यहाँ पे तोड़ के रख लिया है। ये 500 ग्राम सेम की फली है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैं लूँगी 3 कटी हुई प्याज, मीडियम साइज़ है ये प्याज, और 250 ग्राम्स मटन, बोनलेस मटन, हरी मिर्च है ये। हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते, और 1 कप ऑयल, नमक, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अब हम इसमें 1 गिलास पानी डाल के इसको अब कुकर का ढक्कन लगा के गलने के लिए रख देंगे। और अब हमने यहाँ पे कुकर का ढक्कन निकाल लिया है, तो इसमें का जो गोश्त था वो भी बहुत अच्छे से गल गया। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये फली, सेम की फली ऐड करेंगे, और इसके साथ में ही हम ये आलू को भी ऐड कर लेंगे। तो अब हम इसको भी लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। अब बिल्कुल थोड़ा पानी डालेंगे। और अब ये फल्ली और आलू दोनों भी गल गए। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोथमीर कटी हुई, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च, और मेथी की भाजी ऐड करेंगे अब हम इसके अंदर। तो अब हम ये मेथी और कोथमीर ऐड करने के बाद में और बस 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे लो फ्लेम पे। और अब ये सेम की फली हरी मिर्ची का सालन तैयार हो गया। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।